सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और प्रत्याशी जनता के बीच अपने जनाधार बनाते नजर आ रहे हैं। प्राइम टीवी की टीम निकाय संग्राम की कवरेज के लिए पहुंची है राजधानी लखनऊ के राजीव गांधी प्रथम वार्ड में, तो देखते हैं वार्ड का हाल यहाँ की जनता के साथ। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने जनता के बीच में जाके जनाधार को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम पहुंच चुकी है राजधानी लखनऊ के राजीव गांधी प्रथम वार्ड में, तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता से उनकी जमीनी हकीकत। सर, आपका नाम क्या है? नाम इकबाल रैनी। सर, ये यहाँ पे इतनी सारी गंदगियाँ दिख रही हैं, अभी तक 5 साल में आपके जो पार्षद है क्या विकास किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सफाई अभियान का जो नायक है उससे हमने दो तीन बार कॉल किया और दो साल में इस गली में सफाई नहीं हुई है। दो बार हमने जो सफाई कराई अपने पैसे से और उससे फ़ोन करो तो कहते हैं यहाँ राठौर ने मना किया है सफाई करने के लिए। सच्चाई इसमें झूठ नहीं है। जब बोलो कि भैया जाओ सफाई करा दो, हाँ आते हैं। 2 साल हो गए इस गली में नहीं आए हैं कोई सफाई करने वाले। तो आपके यहाँ जैसे पानी बिजली की समस्याएं क्या है उसके बारे में बताइए, क्या अभी तक विकास की है कुछ और भी बताइए। जैसे आप देख सकते हैं इतनी गंदगी है, आजकल इतने सारे डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में बताइए। इस गली में काम नहीं हुआ है जब से राठौर हुए हैं, इस गली में काम नहीं हुआ है, अब ये हम क्या बताएं भाई। तो आप ये अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास नहीं गए, या आप यहाँ के डीएम है, जब वो नहीं मानते तो डीएम के पास जाके अपनी शिकायत क्यों नहीं लेके गए आप? सफाई अभियान का जो नायक है मैन, उससे हम बोलते हैं, जब मिलता है भैया सफाई करा दो तो बोलता है यहाँ पे मना किया है सफाई करने के लिए। और अभी एक हफ्ता हुआ है मैन गली में सफाई हो रही थी, हमने बोला कि भैया सफाई करा दो, कहे तो उन्होंने बोला हम देखो आते हैं अभी तक कोई नहीं आया हमें सफाई करने के लिए, 2 साल हो गए हैं। से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो आप बताइए आपके घर में किस प्रकार की समस्या है, आपके जो वार्ड में दिख रहे इतनी सारी गंदगियां दिख रही है, क्या क्या समस्या आता है? वो बहुत मतलब गंदा आता है और मतलब मिट्टी आती है उसमें। अच्छा, मिट्टी आती, बालू आती है। तो अपनी समस्याओं के लेके अपने पार्षद के यहाँ नहीं गए शिकायत लेके? मुझे पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, तो आते नहीं है आपके यहाँ देख रेख करने? नहीं आते यहाँ पर। अच्छा, तो बिजली पानी ये सब क्या समस्याएं हैं? तो आप बिजली सही आती है सिर्फ आप मतलब लाइट का वो नहीं है बस। अच्छा, लाइट यहाँ पे नहीं होती है। लाइट नहीं, ये देखिए खंभा लगा है उसमें मगर लाइट नहीं है। बोला गया मगर लगाया ही नहीं। तो आप जाके फिर लिखित रूप में उसके बोलते हैं नहीं मान रहे वो, तो फिर डीएम के पास आपको जाके ये शिकायत लेकर जाना चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं गए? आप हम लोग कैसे जा सकते हैं, हम लोग जाते ही नहीं कहीं पर। अच्छा आंटी, आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपके और आपके घर में बिजली पानी कैसे आ रही है, जो गंदगियां फैल रही है आप उनके पास शिकायत लेकर नहीं गए 5 साल में? भी गंदा आता है, बालू भी बहुत आती है, कभी बहुत गंदा आ जाता है, नाली की समस्या है, यही सब, ये कूड़ा देखिए कितना फैला हुआ है। तो आप लोग को पार्षद के पास जाके अपनी शिकायत बोलना चाहिए। पता ही नहीं कहाँ है क्या है, हम कभी 5 साल में आप कभी उनको देखी नहीं? हमने नहीं देखा, हम कहीं नहीं गए। ठीक है, आइए और भी यहाँ के जनता से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। और वो आप देख रहे हैं कि सबका यही कहना है कि यहाँ देखिए पूरी गंदगी से भरी हुई है, यहाँ तक कि यहाँ को इसको ढका तक नहीं गया है। तो आइए और भी जनता है उनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताइए कि आपके वार्ड जो देख रहे हैं हम लोग पूरी गंदगी से भरी हुई है, यहाँ के लोगों का कहना है कि 5 साल में हम लोग कभी अपने पार्षद को देखे नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी तो नहीं देखे हैं, 3 से रह रहे हैं। तो एक बार भी वो पार्षद आप लोग को देख रेख करने के लिए नहीं आए? नहीं आए, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप अपनी शिकायत लेकर उनके पास नहीं गए, वो नहीं आए तो? हम नहीं, कहीं नहीं गए। तो फिर आप लोग कैसे इस माहौल में रह रहे हैं, आप लोग को इतनी परेशानी हो रही है? ठीक है, पार्षद नहीं आ रहे हैं, आप डीएम के पास जाके अपनी शिकायत लेके जा सकते थे। हम तो गए नहीं है, बाकी लोग गए हुए, हम ही नहीं गए। को अपने जाके पार्षद से अगर नहीं मान रहे तो लिखित रूप से आप जाके डीएम को देते कि ये हमारी समस्या है, हमारे पार्षद नहीं सुन रहे, 5 साल में हम नहीं आए हैं, तो आप लोग ये सब कुछ नहीं किए?
नहीं अभी तो हम नहीं गए हैं, जैसे यहाँ के लोग गए हैं, शिकायत किए हैं, लिखित में भी किए हैं और गए भी हैं जी। पर यहाँ कोई आता नहीं सफाई वफाई करने, जब भी करो तो खुद करो, कोई आता नहीं है। तो आप सुन सकते हैं यहाँ का जो जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में हम पार्षद को देखे भी नहीं हैं और गंदगी आप पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ के जो पानी है वो भी बालू के साथ आ रही है। जो किरायेदार यहाँ रहते हैं उनका भी कहना है कि हम लोग उनको देखे तक नहीं है तो कहाँ से उनको शिकायत लेकर जाएं। तो आइए और भी यहाँ जनता है उनसे हम बात करेंगे इसके बारे में। आइए जानते हैं राजीव गांधी प्रथम वार्ड के जनता से उनकी ही जनता की जुबानी। साथ पर इतनी डेंगू फैल रहा है तो फॉगिंग के लिए नहीं आया अभी आपके पास? देखिए ऐसा है, हमने नगर निगम से बार बार नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा जी जी जी। और अधिकारियों से भी बात हुई जी। लेकिन वो लोग अनसुनी कर रहे हैं, ना तो यहाँ पे कुछ छिड़काव हुआ है। सबसे पहले नगर निगम चले गए, क्या आपने पार्षद से आप बात नहीं की? सबसे पहले तो काम पार्षद का है, तो आप उससे क्यों नहीं कॉन्टेक्ट किए? देखिए पार्षद जो है वो सुनता उनता है, इसलिए नहीं है कि पार्षद कह रहा है कि जो है ये जो है आप नगर आयुक्त से कहिए, उनसे कहिए। और वो कई बार हम बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये एक ऐसा गांव है जहां पे पूरा गोमती नगर इसी गांव से बसा हुआ है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उजरियाव गांव है, मौजा उजरियाव है, इसी से पूरा गोमती नगर बसा हुआ है। आज यही गाँव वीरान है, यहाँ पे नालियाँ भचभचा रही हैं, ना तो कोई यहाँ पे छिड़काव हुआ, ना तो कोई सफाई हुई, और ना तो इतने बड़े गड्ढे हैं और सीवर का पानी घर के अंदर बह रहा है, हालात बड़े ख़राब है, और ना कोई सुनने वाला है। नगर आयुक्त से बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है। तो आपका नगर आयुक्त भी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर पार्षद भी नहीं सुन रहे, तो आप डीएम के पास क्यों नहीं अब जाके अपनी चिट्ठी लिख के दी? नहीं तो हमने डीएम से भी बात की, डीएम ने जो है उन्होंने कहा अधिकारियों को, उन्होंने तलब किया, लेकिन अधिकारी इस वक्त बेलगाम है, कोई काम सुनने वाला नहीं है। हालात ये हैं कि गाँव में हमारे डेंगू के ना जाने कितने मरीज यानी हो गए हैं, और मलेरिया और कितने लोग बीमार हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं प्रशासन और शासन से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारा उजनियाँ गांव है जिस गांव से पूरा गोमती नगर बसा है, कम से कम इधर तो नज़र होनी चाहिए उनकी। आइए और भी लोगों से यहां बात करते हैं, उनका क्या कहना है यहां पे? सर बताइए 5 साल में आपके जो पार्षद है क्या विकास किए हैं और क्या क्या समस्याएँ हैं आपके वार्ड में? 5 साल से यहाँ के जो पार्षद हैं बीजेपी के, तो 5 साल में तो एक ही दो बार यहाँ पे दिखे हुए जी जी। बाकी जो नालियाँ हैं, रोड हैं और इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही गंदगी फैली रहती है। अच्छा। 5 साल तक यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं हुई, रोड आप देख ही रही होंगी, गड्ढे हैं, नालियाँ भरी हुई हैं और जगह जगह पे गंदगी है, उससे डेंगू फैला हुआ है। डेंगू जो केसेस इतने फैल रहे हैं तो उसको लेकर आप लोग, आपके पार्षद फॉगिंग जो पूरे लखनऊ सर में, क्या यहाँ पे नहीं आए फॉगिंग करवाने? फॉगिंग करवाने नहीं आए, हमारे ये होने वाले सभासद शिब्बू रज़ाकी समाजवादी पार्टी से हैं जी, जी, जी। तो इन्होंने अपनी तरफ से फॉगिंग यहाँ पे करवाई। अच्छा, अच्छा। बाकी हमारे जो पार्षद बीजेपी के हैं उन्होंने एक बार भी यहाँ पे फॉगिंग नहीं करवाई। तो आप लोगों ने ये गंदगी को लेके या फॉगिंग को लेके अपने पार्षद के पास नहीं गए शिकायत लेके? मेरा पार्षद सुनता ही नहीं है तो उसके पास क्या जाए। मेरे शिब्बू रज़ाकी जो अभी होने वाले सभासद हैं अपने समाजवादी से, इन्हीं को लड़वाना है जी। तो इन्हीं के पास समस्या लेके जाते, यही जो काम करवाते हैं वो बेटर करवाते हैं जी, जी। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए आपकी उनमें क्या क्या समस्याएं हैं अभी तक? समस्या तो आप देख रही सामने है आपके, नाली इसी बड़ी हुई गंदगी, रोड मुलायम सिंह के टाइम, वही अखिलेश के टाइम पे बना हुआ है, जब से कोई आया नहीं जी। 2004 में का बना था ये। तो सर आप लोग इतने समस्याओं में गंदगी के बीच रह रहे, तो आप लोग अपनी समस्याओं को लेके पार्षद के पास नहीं है? जब वो नहीं है तो आप लोग को जाना चाहिए। जब सुने तभी तो जाए आदमी, वो तो सुनते नहीं। अपना इलाका तो दूसरा है कि वहाँ तो मुलायम सिंह के आदमी है, वहाँ हम क्यों जाए? तो 5 साल में कितनी बार आप लोग की समस्या सुनने? हमारे सामने तो हम तो पहचानते तक नहीं अभी तक, ये अब एक बार भी नहीं आप लोग? हम पहचानते भी नहीं कौन है सभासद, कभी हमारा काम भी नहीं पड़ा, ना हम जाते हैं उनके पास। अच्छा पानी बिजली ये सब की समस्या कैसी है? अब सही है? अब रात में आज देख लीजिए पानी इतना बहता है कि यहाँ तक आता है बह के रोड पे, लीकिंग है वहाँ पे, गंदगी आती है, मट्टी आता है, कीड़े आते हैं और बहता है यहाँ तक, सब बेचारे छीपते हुए जाते हैं सब। तो अभी तक वो किसी भी समस्या के आप लोग का समाधान नहीं किए? अभी समाधान का यही समाधान है कि कह देते आएंगे, आते नहीं कोई। समस्याएं बहुत है, समस्या कहाँ तक गिनाए आदमी।
आइए और भी जनता से हम बात करते हैं, उनकी क्या समस्या। आप देख चुके कि यहाँ पे गंदगी हो या पानी कहीं भी सही से नहीं। आपको कहना है कि पार्षद भी हैं जो बांसल में अभी तक एक या दो बार आए हैं, जिनको हमें अभी अच्छी तरह से पहचान भी नहीं रहे। तो आइए और भी जनता से बात करते हैं यहाँ के हम। तो क्या समस्या है सर आपके वार्ड के, जैसे पानी का हो गया है सर, ये नालियाँ पूरा बाहर दिख रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। वार्ड के बारे में समस्याएं तो काफ़ी, प्रार्थना पत्र दिए गए हैं कई जगह ऑफिसेज में, प्लस पार्षद को भी दिए गए हैं, लेकिन ये नालियाँ आप देख रहे हैं कैसे, आजकल डेंगू का कितना खतरनाक बीमारी फैली हुई है, कितने मर रहे हैं लोग, और कोई यहाँ ध्यान ही नहीं देने वाला है बिल्कुल। तो सर जैसे बिजली पानी ये सब की समस्याएं कैसी है आपके वार्ड में? बिजली की तो ठीक है, लेकिन पानी आने की भी दिक्कत है, पानी गंदा भी आता है काफी। तो पार्षद आपके यहाँ आते नहीं इन समस्याओं को, जब आप देखते हैं लिखित उनको दे रहे हैं, तो इस पे सुनवाई करने के लिए या देखने के लिए या काम करवाने किसी को भेजे होंगे या खुद आके देख रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ किया अभी तक पार्षद? पाँच साल में आपके क्या? नहीं, पाँच साल में कुछ भी नहीं किया, कोई विकास के काम नहीं किए। सड़क कैसे टूटी हुई है आपके सामने है, ये सब जब गवर्नमेंट थी पार्टी समाजवादी, तो उस टाइम का काम हुआ है ये। अच्छा, इस पार्टी में जो है एक भी आपके विकास के काम नहीं हुआ? नहीं, इधर तो नहीं हुआ, सारी सड़कें टूट चुकी हैं जो बनी थी 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, तो आज तक कहाँ वो ठीक हो पाई, देखिए आपके सामने सब है। चाचा पार्षद जो आपके 5 साल में आपके वार्ड में क्या क्या विकास किए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर जो है ये नालियाँ देख ही रहे हैं आप, क्या हालत हो रही है, बिल्कुल चोक चल रही है, गंदगी हद के ऊपर है, यहाँ कोई देख नहीं होता। ये शिबुरा की जो है ये देखता है यहाँ का काम, लेकिन बाकी नगर पालिका वाले इसका कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो चाचा आप इस शिकायतों के लेके अपने पार्षद के पास नहीं गए या नगर पालिका जहाँ जहाँ भी? हाँ, पार्षद अर्षद से कहा जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो यहाँ पे लाइट पानी ऐसी इसकी क्या व्यवस्था है? लाइट वगैरह तो खैर आती है, पानी यानी भी आता है, लेकिन समय समय पर आता है। चाचा आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की, अभी तक पार्षद कितनी बार आए हैं? रास्ता चौड़ा करवा दीजिए जो है, और जो पानी कभी कभी नहीं आता, लाइट चली जाती, यही सब समस्याएं जो है। तो आपने ये समस्याओं के लेके पार्षद के पास नहीं गए आप? हाँ, जो कंप्लेन की जाती है जो है, हाँ, तो उसमें कुछ तो कंप्लेन पे सुनवाई नहीं होती अभी तक, एक बार भी नहीं हुआ? नहीं, वो अपने आप ही अपने जब जाती तो अपने आप ही आ जाती, लाइट जो चली जाती जो है, और केबल वेबल काट देते जो है। ये बताइए अभी तक कितने डेंगू के केसेस लखनऊ में आ चुके हैं, इसकी फॉगिंग आपके वार्ड में एक बार भी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो आपने देखा यहाँ हमने जाना राजीव गांधी प्रथम वार्ड के जनता से कि राजीव गांधी प्रथम वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। आपने देखा पूरी नालियां जो है गंदगी से भरी पड़ी है यहाँ पे, और पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो वो भी सही से नहीं। यहाँ के जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो पानी आती है वो बालू के साथ ही है, पूरी वार्ड जो है समस्याओं से भरी हुई। उनका कहना है कि हम लोग शिकायत भी अगर लेकर जाते हैं अपने पार्षद के पास तो वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही जनता का ये भी कहना है कि 5 साल में उनके पार्षद एक बार भी उनके वार्ड का दौरा करने नहीं आए, बहुत सी सारी ऐसी शिकायतें हैं। तो ऐसे ही और भी एक नए वार्ड से आपको हम रूबरू कराएंगे, उनके जनता से उनकी जमीनी हकीकत जानेंगे। तो बने रहिए आप नगर संग्राम में प्राइम टीवी के साथ। संग्राम में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।